स्पेशल टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कृषि एवं तकनीक। तो सबसे पहले देखते हैं कृषि से संबंधित प्रमुख शब्दावलियां। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग यानी ZBNF, यह केमिकल मुक्त कृषि की एक विधि है। यह मूल रूप से महाराष्ट्र के कृषि विशेषज्ञ और पद्मश्री प्राप्तकर्ता सुभाष पालेकर द्वारा प्रचारित की गई थी। इन्होंने इसे 1990 के दशक के मध्य में हरित क्रांति के तरीकों के विकल्प के तौर पर विकसित किया था। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग एवं गहन सिंचाई हरित क्रांति के तरीके थे। पालेकर ने तर्क दिया कि इन बाहरी इनपुट्स की बढ़ती लागत किसानों के बीच ऋणग्रस्तता और आत्महत्या का एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा केमिकलों का पर्यावरण और दीर्घकालिक प्रजनन पर भी खतरनाक प्रभाव पड़ता है। इन इनपुट्स को खरीदे बिना या इनकी खरीद के लिए लोन लिए बिना भी उत्पादन की लागत कम की जा सकती है और ऐसी खेती शून्य बजट में की जाती है। यह कई छोटे किसानों के लिए ऋण चक्र को तोड़ने में सहायक है। ऊर्ध्वाधर कृषि यानी वर्टिकल फार्मिंग। वर्टिकल फार्मिंग में प्रकाश और तापमान की कृत्रिम परिस्थितियों में फसलों को घर के अंदर उगाया जाता है। यह छोटे तथा कम स्थानों में उच्च उत्पादकता का लक्ष्य रखता है। इस कृषि में कम मृदा वाली विधियों जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग किया जाता है। वर्टिकल फार्मिंग में पारंपरिक कृषि विधियों की तुलना में काफी कम पानी और कीटनाशकों का प्रयोग होता है। घर के भीतर फसलें मौसम पर निर्भर नहीं होती, इसीलिए साल भर उच्च उत्पादकता मिलती है। इस खेती के माध्यम से सलाद पत्तों, टमाटर और हरी फसलों का उत्पादन किया जाता है। जापान वर्टिकल फार्मिंग के शुरुआती देशों में से एक रहा है। यह वैश्विक वर्टिकल फार्मिंग बाजार में सबसे बड़ा हिस्सा रखता है। जापानी कंपनी स्प्रेड उन कंपनियों में से एक है जो वर्टिकल फार्मिंग से बहुत अधिक लाभ कमाती है। यह क्योटो में अपनी फैक्ट्री से सालाना लगभग 11 मिलियन सलाद पत्तों का उत्पादन करती है। कृत्रिम परिस्थितियों तथा कम वर्कर्स के साथ इस कारखाने में प्रतिदिन लगभग 30,000 सलाद पत्तों का उत्पादन किया जाता है। अब डेनमार्क और यूएसए जैसे देश भी वर्टिकल फार्मिंग कर रहे हैं। हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स मिट्टी के उपयोग के बिना पौधों को उगाने की एक विधि है। इसमें पानी का उपयोग करके पोषक तत्वों को पौधों तक भेजा जाता है। विभिन्न सभ्यताओं ने पूरे इतिहास में कहीं ना कहीं हाइड्रोपोनिक तकनीकों का उपयोग किया है, जैसे बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन आदि। हाइड्रोपोनिक्स के संभावित अनुप्रयोगों में से एक दुनिया के गैर कृषि योग्य क्षेत्रों और बिना मिट्टी वाले छोटे क्षेत्रों में ताजे उत्पादन को बढ़ावा देना रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हाइड्रोपोनिक्स का उपयोग प्रशांत क्षेत्र में गैर कृषि योग्य द्वीपों पर तैनात सैनिकों को खाद्य आपूर्ति करने के लिए किया गया था, जो स्थानीय रूप से स्थापित हाइड्रोपोनिक्स प्रणालियों में उगाए गए उत्पाद थे। बाद में हाइड्रोपोनिक्स को अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भी जोड़ा गया। हाइड्रोपोनिक्स के लाभ। मिट्टी आधारित कृषि की तुलना में अधिक पैदावार देने की क्षमता। इसकी सहायता से दुनिया के उन क्षेत्रों में खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है जहां की भूमि बंजर है। यह बड़े पैमाने पर कीटनाशक के उपयोग को समाप्त करने तथा हवा, पानी, मिट्टी और खाद्य सामग्री को स्वच्छ बनाने में सहायक है। अब देखते हैं एक्वापोनिक्स। एक्वापोनिक्स मछली और सब्जियों दोनों के साथ साथ वृद्धि करने वाली एक स्थायी विधि है। यह एक प्रकार की इंडोर खेती है। इसमें पारंपरिक कृषि की तुलना में कम पानी, भूमि और श्रम के साथ अधिक भोजन प्राप्त किया जा सकता है। यह एक लचीली कृषि प्रणाली है जो बेहतर पोषण तथा समृद्धि देती है। एक्वापोनिक्स कृषि का वह रूप है जो टैंकों में मछली पालने यानी जलीय कृषि के साथ साथ पौधों को बिना मिट्टी के उगाने की विधि यानी हाइड्रोपोनिक्स को जोड़ती है। इस विधि में मछलियों वाला पोषक तत्व युक्त पानी पौधों के लिए प्राकृतिक उर्वरक का काम करता है और पौधे मछलियों के लिए पानी को शुद्ध करने में मदद करते हैं। एक्वापोनिक्स इंडोर खेती का एक शानदार उदाहरण है
यह कहीं भी की जा सकती है। यह ताजा स्थानीय भोजन प्रदान करने में सक्षम है जो कीटनाशकों, शाकनाशियों और रासायनिक उर्वरकों से मुक्त है। यह नई सुरक्षित और आसान कृषि तकनीक है। एक्वापोनिक्स के लाभ। इसमें पारंपरिक कृषि की तुलना में प्रति एकड़ में 8 गुना फसल उगाने के लिए मात्र 1/6% पानी का उपयोग किया जाता है। इसमें फिश वेस्ट सभी प्राकृतिक उर्वरक का स्रोत हैं। इसमें बाहरी उर्वरकों पर कोई निर्भरता नहीं है। यह कुशल, टिकाऊ और अत्यधिक उत्पादक कृषि तकनीक है। इसमें हार्मोन और एंटीबायोटिक दवाओं के बिना मछलियों का विकास किया जाता है। यह खाद्य पदार्थों के निरंतर उत्पादन में सहायक है। इससे प्रोटीन और सब्जी दोनों के उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। कृषि की यह प्रणाली टिकाऊ है और पारिस्थितिकी के अनुकूल है। इस कृषि में मिट्टी का उपयोग नहीं होने के कारण मिट्टी जनित बीमारियों का खतरा भी नहीं होता। तो चलिए अब देखते हैं कृषि प्रौद्योगिकी तथा इसका महत्व। कृषि प्रौद्योगिकी खेतों और कृषि कार्य में मुख्य रूप से सेंसर, उपकरण, मशीनों और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर कृषि में प्रगति करना ही कृषि प्रौद्योगिकी है। वर्तमान में कृषि में नियमित रूप से रोबोटिक सिस्टम, तापमान और नमी सेंसर, हवाई चित्र और GPS जैसी प्रगतिशील तकनीकों का उपयोग होता है। ये उन्नत तकनीकें और रोबोटिक सिस्टम सटीक कृषि तथा संबंधित व्यवसायों को अधिक लाभदायक, कुशल, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाते हैं। कृषि प्रौद्योगिकी का महत्व। इसकी सहायता से किसानों को अब पूरे खेत में समान रूप से पानी, उर्वरक और कीटनाशक नहीं देना होगा, बल्कि आवश्यकता अनुसार कम मात्रा में तथा बहुत विशेष क्षेत्रों को लक्षित कर इनका उपयोग कर सकते हैं। इसके लाभ देखते हैं। अधिक फसल उत्पादकता, पानी, उर्वरक और कीटनाशकों का कम उपयोग, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र पर कम प्रभाव, नदियों और भूजल में रसायनों का कम होना और वर्कर सेफ्टी में बढ़ोतरी। तो चलिए अब देखते हैं राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी यानी नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस NAAS। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी की स्थापना वर्ष 1990 में की गई। यह अकादमी पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि वानिकी और कृषि विज्ञान सहित कृषि एवं कृषि उद्योग के बीच सहयोग को बढ़ावा देने का कार्य करती है। अकादमी की भूमिका कृषि वैज्ञानिकों को एक मंच प्रदान करना है जो कृषि अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं। अकादमी विभिन्न स्तरों पर वैज्ञानिकों को मान्यता प्रदान करती है और कृषि विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अत्याधुनिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करती है। इसके उद्देश्यों की बात करें तो पारिस्थितिकी आधारित टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना, कृषि के अलग अलग क्षेत्र में वैज्ञानिकों की क्षमताओं को बढ़ावा देना, देश तथा दुनिया के वैज्ञानिक समुदायों के साथ विभिन्न संस्थाओं व संगठनों में अनुसंधानरत लोगों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना शामिल हैं।